Zolo chips! Sub-se spicy chips! Dhoka! Ay! Dahi jaisi smell aa rahi hai! Bahut Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So, today's vlog is trying every chip. So, come on, let's go. So, guys, today's vlog mein main try karne wali hu saste se leke mehenge tak, plain se leke spicy tak ke sare chips. And is video ko aaj na aap एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं ट्राई करने वाली हूँ आज के सबसे स्पाइसी चिप्स एंड दैट्स ज़ोलो चिप। गाइस आज के वीडियो में मैं ज़ोलो चिप का करूंगी पर्दाफाश और देखूंगी कि वाकई स्पाइसी है या सिर्फ ये बुद्धू बनाने के लिए ऐसे स्केलेटन बना रखा है। तो चले सबसे पहले ये देखिए गाइस, यहाँ पे सजा चुकी हूँ मैं अपनी पूरी टेबल में चिप्स और सिर्फ चिप्स। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिर्फ 10 रुपए के चिप्स के साथ जो यहाँ पे है मेरे पास। गाइस ये बिंगो हैशटैग चिप्स है। हैशटैग चिप्स क्या होता है गाइस? ये मतलब चिप्स के अंदर भी हैशटैग आ गया। वैसे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए ना चिप्स के अंदर भी ना हैशटैग आ गया हैशटैग। तो चलिए अब देखते हैं ये हैशटैग क्या है। अच्छा गाइस मैं समझ गई, इनका हैशटैग जाली 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 वाले चिप्स को बोला है हैशटैग। वैसे ये चिप्स में जाली देने से स्वाद बढ़ जाता है क्या? तो चलो ट्राई करते हैं ये ऐसे येलो कम लाल लाल चिप्स। गाइस ये ओके हैं, देखो इतने तीखे नहीं है बट ये मसालेदार है और मुझे ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये खाते ना मेरा गला खराब हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम जंप मारते हैं सीधे 20 रुपयों के बाद 20 रुपीज पे। यहाँ पे है मेरे पास गाइस ये लेस का 20 रुपीज वाला इंडियन मैजिक मसाला चिप्स। तो मुझे लगता है लेस ऐसी कंपनी है जो बहुत वेराइटी के चिप्स आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए ये गाइस मुझे लगता है चिड़िया को खिला दूंगी। अब निकलेगा 20 रुपए का चिप्स। अरे इसमें जाली वाली नहीं बनी बट गाइस अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे ना इसमें से लाइन 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 बनी है। तो देखते हैं ये स्वाद में कैसा है। अच्छा नहीं लगा क्यों? ये मसाले वाले चिप्स अच्छे नहीं होते क्या? बिंगो को कंपेयर करो लेस को कंपेयर करो तो ना गाइस मुझे दोनों ही चिप्स अच्छे नहीं लगे। तो मुझे लगता है मेरे 10 और 20 रुपए यानी 30 रुपए मेरे वेस्ट हो गए। So guys, अब मैं ट्राई करने वाली हूँ लेस के ऐसे चिप्स जो ना मैंने आज तक ट्राई नहीं करी। और यहाँ पे मेरे पास दो वैरायटी के लेस के चिप्स हैं। एक तो है हॉट एंड स्वीट चिली चिप्स और एक है गाइस सिजलिंग हॉट चिप्स। ओह माय गॉड, तो यानी कि ये दोनों ना थोड़े स्पाइसी निकलने वाले हैं। ऑरेंज है और ये रेड है, मुझे लगता है रेड वाला ज्यादा स्पाइसी होगा। अभी खोलेंगे हम पहले ये ऑरेंज वाला जो स्वीट एंड चिली है तो यानी तीखे के साथ मीठा। आय हाय क्या कॉम्बिनेशन है ना। ये देखिए टड़ा, हाँ ये तो मेरी ड्रेस से थोड़ा मैचिंग लग रहा है, दिखने में मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। गाइस ये बताओ तीखा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है पर मीठा मुझे जरूर लग रहा है। और इस चिप्स के अंदर भी ना ऐसे लंबे ऐसे लाइन बनी है। तो ये मुझे अभी तक मैंने तीसरा चिप्स ट्राई करा है तो मुझे थोड़े अच्छे लगे गाइस। अब बारी है सिजलिंग हॉट चिप्स ट्राई करने की। यहाँ देखो कितने लाल लाल चिप्स बनाए हैं और अंदर गाइस ये ऑरेंज निकल के आया। मतलब धोखा चिप्स के अंदर भी धोखा मिला मुझे। ओके कोई बात नहीं। गाइस ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। पता नहीं कुछ अजीब सा ही फ्लेवर इनके अंदर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों चिप्स को कंपेयर करूं तो मुझे ये ऑरेंज वाला ये रेड वाले से थोड़ा बेटर लगा। सो गाइस अब बारी है ऐसे चिप्स दिखाने की जो हम अक्सर गाइस पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते खाते हैं। तो गाइस यहां पे मेरे पास है बहुत ही पुराने अंकल चिप्स जिसको बोलते थे ना बोले मेरे लिप्स अलव अंकल चिप्स। तो गाइस ये पड़े हैं मुझे 20 रुपए के। मुझे बहुत अच्छे से याद है बचपन से ना मैं पिक्चर हॉल में यही वाले चिप्स खाया करती थी क्योंकि यही वाले मिला करते थे गाइस। तो चलिए बच गया चिप्स का पैकेट फोड़ने में ना मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा फ्रेग्रेंस ना एकदम पुदीने वाला फ्रेग्रेंस आया गाइस, क्या बात है। और ये ढूंढ के मैंने एकदम बड़ा 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 चिप्स बनाया और इसके अंदर ना ऐसे लग रहा है ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हुए गाइस। एकदम क्रिस्पी पोटैटो चिप्स हैं, बहुत ही बढ़िया है पुदीने का। आय हाय हाय हाय
क्या गजब का फ्लेवर आया है इसके अंदर। सच में अब बारी है वेफर वाले चिप्स की, जो अक्सर ना हमें फरसान और मिठाइयों की दुकान में मिलते हैं, बट ये भी थोड़े से स्टाइल वाले हो गए हैं। लेज ने बना दिए हैं वेफर चिप्स जो पड़े पूरे पूरे के पूरे 20 रुपए के। एंड गाइस, ये सिर्फ सॉल्ट नहीं है, इसके अंदर इन्होंने काली मिरी भी कूट कूट के डाली है। ये तो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। या सच में ये तो एकदम वो मिठाई वाली दुकान वाले चिप्स ही मुझे दिख रहे हैं, बट इसकी क्वालिटी ना मुझे थोड़ी अच्छी दिख रही है। ये हैं तो अच्छे, बट इसके अंदर ना मुझे सॉल्ट एंड पेपर के साथ थोड़ा थोड़ा चीज टाइप का भी फ्लेवर आ रहा है। क्यों आ रहा है मुझे चीज इसमें लिखी नहीं गाइस पड़ी है, क्या पता चुपचाप से इन्होंने चीज डाल दिया और लिखना भूल गए। सो गाइस, अब बारी है कुछ हेल्दी चिप्स खाने की। वैसे गाइस चिप्स हेल्दी भी हो सकते हैं, ये मैं मान नहीं सकती, क्योंकि चिप्स तो चिप्स है, वजन तो आपका बढ़ेगा ही, जैसे मेरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो चलिए अब बारी है गाइस यहां पे ये विराट कोहली वाले चिप्स खाने की, जो मुझे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के, और इसका नाम है गाइस टू यम चिप्स, और ये मल्टीग्रेन चिप्स। अच्छा, ये पोटैटो के नहीं है गाइस, मल्टीग्रेन चिप्स है। अरे ये तो फ्लेवर ही इसका बड़ा अजीब गरीब सा है, दही पापड़ी चाट वाला फ्लेवर। वैसे अभी तक पानी पूरी वाले चिप्स तो मैंने भी खाए, बट ये दही पापड़ी ये तो थोड़ा गाइस मुझे वियर्ड सा लग रहा है। तो गाइस, इसमें से तो मैं आपको सच बताऊं दही जैसी स्मेल आ रही, मतलब ये तो चिप्स खाने का मेरा मन भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस ही थोड़ी विचित्र विचित्र टाइप की है गाइस। वैसे गाइस ये देखो, चिप्स चिप्स जैसे दिख भी नहीं रहे, ऐसे स्क्वायर जैसे, पता नहीं कैसे चिप्स बनाए इन्होंने। गाइस मैं बताऊं, है तो एकदम दही पापड़ी वाला फ्लेवर ही, पता नहीं ये लोग कैसे कैसे ऐसे फ्लेवर बना लेते हैं, वो भी चिप्स के अंदर। मैं तो सोचकर ही हैरान हो जाती हूँ, मुझे अपने चिप्स में गाइस दही पापड़ी खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वैसे लिखा तो इसके अंदर 2M है, बट मेरे लिए ये 2M बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, अब बारी है नींबू 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 खट्टा नींबूड़ा वाले चिप्स खाने की। सो यहाँ पे मेरे पास है गाइस ये दो नींबू वाले चिप्स, जो कि दोनों ही ना लेज ने बनाया है। एक पड़ा है मुझे 20 रुपए का और एक पड़ा है मुझे 30 रुपए का। गाइस वैसे इनका वजन भी सेम है, नींबू भी सेम है, नींबू तो क्या सेम है, मतलब फ्लेवर भी सेम ही सेम है, बट 10 रुपए मुझसे ज्यादा क्यों ले लिए। मुझे लगता है पैकेजिंग के नाम में ना मुझे 10 रुपए ज्यादा ले लिए, बट चलो कोई बात नहीं। ये देखो गाइस यहाँ पे हाय, ये तो एकदम लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो चिप्स निकला। एकदम खाओगे तो नींबू का फ्लेवर नहीं आ सकता है, इसको काफी देर तक खाओगे ना तो एक्चुअली नींबू वींबू नहीं, पनीर फाड़ने के लिए टाटरी डालते हैं ना, वो खट्टी 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 होती है, वो डली है क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा है गाइस। मतलब इसको मैं ज्यादा देर खा लूँ ना तो मेरे दांत पूरे किटकिटा जाएंगे, किटकिटा जाएंगे मेरे दांत। और अब खाऊंगी मैं 10 रुपए ज्यादा देने के बाद गोमे लेस के चिप्स। वाओ, ये देखो गाइस, ये एकदम वेफर स्टाइल के चिप्स निकले, और इसके अंदर तो मुझे लगता है ऐसे पुदीना पुदीना भी, कुछ हरा हरा भी इन्होंने चिपकाया है, जो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये वाले जो 20 रुपए के लेज है ना, उसके कंपैरिजन में काफी काफी पतले पतले चिप्स निकले हैं। तो देखते हैं ये कैसे हैं। These are good guys, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए बट उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाले चिप्स का जो फ्लेवर है ना अच्छा वाला, इन्होंने ना नींबू वींबू डाला है। इन दोनों चिप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है गाइस, दोनों में नींबू पेपर काली मिर्ची सब कुछ पड़ा है, बट आई प्रेफर दिस वन। चिप्स ऐसी चीज है जो आप कभी भी खा सकते हैं, इवन ना व्रत में भी आप चिप्स खा सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट चिप्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये बालाजी के फलाहारी चिप्स। एंड गाइस, इसमें ना सादा नमक पड़ा है ना काला नमक पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है गाइस सेंधा नमक, जो अक्सर हम व्रत में खाया करते हैं। वैसे ना व्रत के नाम पे ना देखा आपने इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि हम सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, तो व्रत में आपको ज्यादा चिप्स खाने को मिलेंगे। पैकेट ही बड़ा नहीं गाइस, इसके अंदर चिप्स भी थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। ये एकदम पतले दुबले पतले पतले वेफर स्टाइल के चिप्स दिख रहे हैं, तो देखते हैं ये कैसे हैं। ये वाकई बहुत अच्छे हैं। व्रत में ना भूख भी ज्यादा लगती है, तो ऐसे अगर बढ़िया बढ़िया वाले चिप्स खाने को मिल जाए ना, तो मुझे लगता है मैं तो हफ्ते में 3-4 बार ही व्रत रख लूं। सो गाइस, अब बारी है कुछ अलग 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 तरीके के चिप्स खाने की, जो कि ना फ्राइड है ना बेक्ड है, वो है पॉप 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 पॉप। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास है टैग्स के पॉप मसाला चिप्स, जो मुझे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के। वैसे गाइस, ये चिप्स तो तले जाते हैं नहीं तो बेक किए जाते हैं, ये पॉप पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप मेरे हिसाब से तो आप ऐसा अपना मुंह खुला के पॉप अप कर सकते हो इनके अंदर। वैसे गाइस, हवा बहुत भरी है, तो मुझे लगता है इसके अंदर चिप्स जो है ना कमी निकलेंगे। अरे नहीं गाइस, चिप्स तो बहुत सारे निकले, और ये थोड़े अलग तरीके के निकले। देखो ये चिप्स कम, मुझे तो ये टोकरी ज्यादा लग रही है गाइस, मुझे अपने पापड़ी पापड़ी चाट वाली पापड़ियां नहीं होती, मुझे तो ये कुछ कुछ वैसी लग रही है। अभी देखती हूं ये कैसे हैं।
तो खाने में ना भाई बहुत अलग तरीके के इनको खा के ना एक्चुअली बिल्कुल भी चिप्स वाली फीलिंग तो मुझे तो नहीं आ रही है। एंड इसका जो मसाला है ना, अभी तक मैंने जितने चिप्स ट्राई करे ना उनसे बहुत ज्यादा अलग है, तो कोई खास अच्छा नहीं है गाइस। आलू के चिप्स से थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस टड़ा खेला चिप्स, मतलब बनाना चिप्स। वैसे ही इसकी शक्ल देख के यहाँ जो इतनी सुंदर सी पिक्चर बनी है उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये है केरला बनाना चिप्स। एंड गाइस वैसे तो मैं बताऊँ केले तो ना 10 रुपए में आजकल 3 मिल जाते हैं, बट ये चिप्स पड़े मुझे पूरे के पूरे 90 रुपीज के। और इसको बताया गया है गाइस कि ये चिप्स बहुत ही पतले काटे जाते हैं। आमतौर पर ना हम लोग जो लोकल बनाना चिप्स खाते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, जिनको खाते ही ना अपने दांतों में दर्द हो जाता है। अरे गाइस इसके अंदर तो बहुत सारे बनाना चिप्स आए भाई, कितने पतले हैं, एकदम पेपर थिन मुझे लग रहे हैं, बहुत ही पतले। अमेजिंग, क्या चिप्स बनाए, मतलब ये ऐसे चिप्स है ना कि आपने अगर एक खा लिया तो आपका मन करता जाएगा खाते जाओ। बहुत ही अमेजिंग चिप्स निकले गए। अब गाइस थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज करते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के व्लॉग के महंगे चिप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास 90 रुपए के कैटल स्टूडियो के पोटेटो चिप्स, जिसके अंदर हाय हाय जैसे चिप्स महंगे हो जाते हैं ना, इनके फ्लेवर भी देखो कितने बढ़िया और इनहेंस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ इस चिप्स के अंदर गाइस शार्प एलोपिनोज एंड क्रीम चीज है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड गाइस इस चिप्स की एक खासियत है, इसको पाम ऑयल के अंदर नहीं तला गया है, इनको तला गया है सनफ्लावर ऑयल में, और इनको ना छोटे छोटे बैचेस में बनाया जाता है, ना कि कढ़ाई में एक साथ डाल के गुड़गुड़ इनको नहीं तला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये महंगे चिप्स कैसे निकल के आते हैं। गाइस जैसे ही चिप्स का पैकेट खोला ना, एलोपिनो की इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है कि मतलब आपको ऐसे ऐसे स्मेल करते ही ना ऐसा लगेगा आपको थोड़ी सी मिर्ची लग गई, मुझे मिर्ची नहीं लगी गाइस। तो चलो अभी देखते हैं टडांग गाइस, ये वैसे दिखने में तो नॉर्मल चिप्स जैसे ही मुझे दिख रहे हैं, बट ये काफी पतले दुबले चिप्स हैं, ये कुछ अलग चिप्स हैं गाइस। मतलब इनका जो टेक्सचर भी है ना, ये और चिप्स जैसा बिल्कुल भी ऐसा कड़क नहीं है, इनका जो टेक्सचर है ना सॉफ्ट एंड क्रिस्पी है, बट इसके अंदर जो क्रीम चीज का फ्लेवर आ रहा है ना वो काफी बढ़िया है। जैसे ये ठीक ठाक ही है गाइस, इतने ज्यादा एक्साइटिंग मुझे नहीं लगे। सो गाइस अब बारी है थोड़े से और महंगे चिप्स खाने की, तो उसके लिए यहाँ पे हैं गाइस मेरे पास प्रिंगल्स के पिज्जा फ्लेवर के चिप्स। क्या बात है, पिज्जा का फ्लेवर चिप्स के अंदर, आपको तो पता है ना गाइस पिज्जा मेरा कितना फेवरेट है। ये चिप्स पड़े मुझे पूरे के पूरे 110 रुपए के, एंड इस तरीके से महंगे है ना चिप्स, तो गाइस ऐसे डब्बे में बंद होके आते हैं। हाय, तो देखो दिखने में कितने एक जैसे एक समान गाइस ये चिप्स दिखते, देख रहे हो आप, एक एक चिप्स जो है ना एक ही शेप एंड साइज का है। मैं बताऊं ये जो चिप्स होते हैं ना प्रिंगल्स के, ये ऐसे पोटैटो को काट के नहीं बनाते, बल्कि उनको मैश करके फिर मशीन से एक समान बनाए जाते हैं, तभी तो ये टेढ़े मेढ़े नहीं होते टेढ़े मेढ़े। यदि ये टेढ़े मेढ़े चिप्स होंगे तो इस डब्बे के अंदर कैसे आएंगे। ओ गजब, क्या चिप्स है गाइस, मैं सच बताऊं पिज्जा का ना एकदम फ्लेवर इसके अंदर आया। अगर फ्लेवर की मैं बात करूं तो जो प्रिंगल्स है ना इसके फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं, तो मुझे लगता है अभी तक मैंने जितने चिप्स ट्राई करे ना मुझे सबसे अच्छा यही वाला गाइस लगा है सच्ची। अब बारी है थोड़े से और महंगे चिप्स खाने की, सो गाइस यहाँ पे मेरे पास है ग्रैंड पोटैटो चिप्स, जो मुझे पड़े पूरे के पूरे 125 रुपीज के। वैसे गाइस ये चिप्स का मुझे तो अगर ये फोटो देखो ना तो बिस्किट ज्यादा लग रहा है। ये चिप्स ना इंडिया में नहीं बने, ये बने एस्टोनिया कहाँ आता है गाइस, ये तो मुझे पता नहीं। जस्ट लुक एट दिस, ये कैसे चिप्स है, हाय राम गाइस, ये तो मेरे मुंह से भी बड़ा चिप्स निकला। इसको मैं फावड़ा, हाँ एक्चुअली वो गुजराती लोग कहते ना जब फावड़ा चिप्स के फॉर्म में, फावड़ा क्या बात है, हाय बहुत ही गजब के हैं गाइस। ये वाले चिप्स ना बारबेक्यू फ्लेवर में हैं, बहुत ही अमेजिंग है, इतने थिनली स्लाइस्ड चिप्स है, बट मैं सोच रही हूँ इतना लंबा ये कौन सा आलू होगा जिसको ऐसे इन्होंने कट कर दिया। जो डब्बे में चिप्स आते हैं ना वो मैश पोटैटो के बनाए जाते हैं, ना कि ऐसे कटिंग कर के बनाए जाते हैं। महंगा जरूर है देखो गाइस, बट है बड़ा अच्छा। सो गाइस आलू के चिप्स से ऊपर उठते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ चावल के चिप्स। सो गाइस ये है मेरे पास राइस
वही सब चिप्स जो अपने सादे सफेद चावलों के नहीं, ये गाइस बने हुए ब्राउन राइस के। पता है ये पड़े हैं मुझे 190 रुपए के। ओ माय गॉड गाइस, इतने महंगे चिप्स खरीदता कौन है। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए गाइस खरीद तो लिए, बता भी दूंगी कि ये कैसे, बट आप लाइक का बटन दबाना क्यों भूल जाते हो। जल्दी से जाओ लाइक का बटन प्रेस करो। हाँ, ये तो दिखने में बड़े अतरंगी से दिख रहे हैं गाइस मुझे। ये देखिए, ये कुछ ब्राउन ज्यादा ही नहीं दिख रहे ये चिप्स तो। गाइस मैं पहली बार खाऊंगी ऐसे ब्राउन ब्राउन राइस के चिप्स। गाइस राइस के ना बहुत 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 अलग है, क्योंकि ये महंगे चिप्स है ना, तो इसकी जो फ्लेवर्स है ना, ओए हाय हाय हाय, ये देखो देखो इसमें फ्लेवर किसके, पिकल्स एंड डिल। पिकल वो गर्कन्स होते हैं ना जो अपने महंगे महंगे बर्गर्स में डाले जाते हैं, और ये डिल जो महंगी महंगी अपनी डिप्स में पड़ते हैं ना, वो फ्लेवर इन चिप्स के अंदर है। वाकई सच बताओ, ये चिप्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से इन फ्लेवर्स को इन्फ्यूज करा गया। महंगे जरूर हैं गाइस, बट अच्छे बहुत है। नाउ इट्स टाइम टू शोकेस द मोस्ट स्पाइसी चिप्स ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स Zolo चिप्स। सो गाइस इतनी वीडियोस देखी मैंने Zolo चिप की, ऐसी अजीब अजीब सी थंबनेल निकली है, आग निकल रही आग निकल रही आग निकल रही, मतलब लोगों के कानों से ऐसे धुआं और ऐसे आग निकलते हुए इस चिप्स को खाने के बाद मैंने देखा है कि गाइस ये पहली बार मैं चिप्स ट्राई करूंगी कि ऐसा चिप्स के अंदर है क्या। और ये देखो ऐसी खोपड़ी, ये जो खोपड़ी चिप्स के ऊपर बनाई है ना, उसमें लिखा लास्ट चिप चैलेंज। मुझे नहीं लगता इसको खाने के बाद मेरा ये लास्ट चैलेंज होगा गाइस, बट ये छोटे नन्ना मुन्ना से चिप्स पड़ा है पूरे के पूरे 200 रुपए का। गाइस के मतलब चिप्स जैसा तो कुछ है नहीं गाइस इसके अंदर, ये एक नन्ना सा चिप्स। हाय राम गाइस, मुझे ये वेट वाइब ज्यादा लग रहा है बशर्ते ये चिप्स, ये तो काला सा चिप्स निकला गाइस। ये कैसा चिप्स है, है? ये चिप्स है, ये चिप्स है, ये कैसा चिप्स है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है चिप्स तलते तलते पूरा जला वला दिया इन्होंने। 200 रुपए में इतना सा चिप्स। वैसे मैं आपको गाइस बताऊं, ये मुझे नाचोस ज्यादा लग रहा है, जिसके ऊपर लाल मिर्ची को काला काला करके चिपका 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 दिया है। तो चलो फ्रेग्रेंस है तो मुझे लग रहा है कि बहुत तीखा होगा, क्योंकि मेरे नाक में ना ऐसा लग रहा है मिर्ची चढ़े चली जा रही है, तो इससे पहले मुझे छींके भी क्या आना चालू हो जाए, मैं इस डेंजरस चिप्स को खाना चालू करती हूँ गाइस। गाइस अंदर से चिप्स काला निकला है, एंड ये बहुत ही तड़का चिप्स है, अरे बहुत ज्यादा तीखा चिप्स है सीरियसली, मतलब मैंने इतना छोटा सा बाइट खाया है, मैंने बहुत ज्यादा चिप्स खाया है। ये सचमुच लोग उल्लू नहीं बनाते, लोग बेवकूफ नहीं बनाते। हराम कौन सी मिर्ची खिला दी मुझे, ये क्या करा। मुझे तो चीनी भर भर के खानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये सच में बहुत तीखा है, मुझे तो चीनी लानी पड़ेगी। रुको मैं चीनी लेके आती हूँ, रुक जाओ। ओ, बहुत तीखा है, वॉमिटिंग लग रहा है। क्यों खाया तुम? मैं मुंह पर जलने लग गया। जोलो ना लोलो ना टोलो, ये जोलो चिप मत खाना गाइस, टाइम मुझे थोड़ा नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा गाइस, बस जी गाइस। दंडवत प्रणाम। ओ स्केलेटन, बैंड बजा दी तूने मेरी, बहुत तीखे थे तुम, बहुत तीखे थे। अब मैं इस वीडियो को कर दूं गाइस यहीं पे एंड, इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। बट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, अब मिलूंगी किसी और ब्लॉग में, तब तक स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, बाय।